हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में, और मैं रेशू। फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली बच्चे 33वें हफ्ते से हेड डाउन पोजीशन में आना स्टार्ट कर देते हैं और 36 वीक तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। ये हर किसी की प्रेगनेंसी के साथ अलग अलग हो सकता है। किसी का बच्चा 33 वीक से स्टार्ट कर देता है और 36 वीक तक आ जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनका बच्चा लास्ट टाइम पर भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 37-38 वीक तक भी बहुत सी महिलाओं के बच्चे हेड डाउन पोजीशन में आते हैं, और कई महिलाओं की तो डिलीवरी के टाइम भी जब कॉन्ट्रेक्शन आने स्टार्ट होते हैं तब भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकते हैं। मतलब कि कुछ बच्चों को हेड डाउन पोजीशन में आने में टाइम लग जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा लेट हेड डाउन पोजीशन में आते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ऐसा फील होने लगे कि आपके पेल्विक एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव फील हो रहा है, और जब आपको ऐसे लगने लगे कि बच्चा अपनी तरफ से भी कुछ धकेल सा रहा है, मतलब धक्का दे रहा है नीचे की तरफ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम फील हो रहे हैं तो मतलब हेड डाउन पोजीशन में आपका बच्चा आ चुका है। तो जैसे ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चा वापस अपनी पोजीशन चेंज ना कर ले, वापस से बच्चा ब्रीच पोजीशन या आड़ा उल्टा तिरछा बच्चा ना हो जाए। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि आपको अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना है। जैसे कि 9वें महीने में बिल्कुल लापरवाह नहीं हो जाना है कि अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं खानी है जिस वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, वो चीज़ डाइजेस्ट ना हो पाए, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको कब्ज की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाए या उल्टी या दस्त आपको हो जाए, आपको ये चीज़ें नहीं होने देना है। इससे क्या होगा, बच्चे पर सीधा असर पड़ेगा। उल्टी दस्त होंगे तो आपको तो वीकनेस आएगी, साथ में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आ जाए तो अपने खाने पीने की आदतों पर स्पेशली ध्यान दें। जो भी खाएं हल्का ही खाना आप खाएं। दूसरा आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, कि आपको जब लगे कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आपको रिलेशन से दूर रहना है, रिलेशन आपको नहीं बनाना है। क्योंकि जब बच्चे का हेड नीचे आ जाता है, आप रिलेशन बनाएंगे तो सोचिए फिर क्या हो सकता है। रिलेशन बनाने से पानी की थैली फटने का तो खतरा रहेगा ही, साथ ही क्या होगा कि बच्चे तक इन्फेक्शन पहुँचने के भी चांसेस रहते हैं। इस वजह से बच्चा जैसे ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, आप रिलेशन बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरा आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कि जैसे ही आपको बच्चा हेड डाउन में आ जाए, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। चाहे आपका 8वें महीने में आ जाए या 9वें महीने में आ जाए, ट्रैवलिंग आपको बिल्कुल बंद कर देना है। 100 बात की एक बात कि आपको झटका नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके का, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रही हो या किसी भी तरीके से आपको झटका फील नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ज़्यादा वेटेड काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो अगर 8वें महीने में बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो फिर समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। इसलिए हैवी काम करने से बचें, कोई भी वजन ना उठाएं, कोई भी हैवी वर्क है उठाने का, कोई भी सामान वगैरह ज़्यादा एनर्जी वाला काम है तो आप ये काम ना करें। इसके बाद जैसे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बताया जाता है कि ये करो वो करो, ये एक्सरसाइज करो, झाड़ू पोछा करो बैठ के, तो आपको ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना है, मतलब जोश में होश नहीं खोना है आपको। क्या करना है, जितना आपसे हो सके, जितना आपका शरीर जवाब दे, आपको वही करना चाहिए जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपके बच्चे ने 8वें महीने में हेड डाउन पोजीशन ले ली है तो इस दौरान आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी टिप्स ट्राई नहीं करना चाहिए। 9वां महीना जब आपका लग जाता है तब आप कोई भी टिप्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 8वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा जोश में ना आएं, क्योंकि 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। 9वां महीना आपका लग जाता है, फिर चाहे डिलीवरी हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं होती है, और रेस्ट भी साथ ही साथ करते रहें। जैसे आप एक्टिव रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिव रहिए, लेकिन साथ में रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी में दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट भी आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी वो ऐसी गलतियाँ जो आपको बच्चे के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो जिससे बच्चे को दिक्कत होगी और आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और प्रीमैच्योर डिलीवरी के भी चांस नहीं बनेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।